महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम है और आठवां दिन धीरे धीरे कंप्लीट हो गया है, तो गणेश भक्तों में उत्सुकता है, भगवान के विसर्जन को लेकर उत्सुकता है और तमाम सारी चीजों को लेकर लोग उत्सुक हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई के सुप्रसिद्ध जो गणपति मंडल है लालबाग के राजा, वहां से जो शेड्यूल है दर्शन के लिए और दर्शन बंद करने के लिए उसको लेकर इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। तो चलिए बताते हैं, चरण दर्शन जहां आप जाके भगवान के पैर छू के, बाप्पा के पैर छू के दर्शन करते हैं, वो दर्शन की जो लाइन है वो आखिरी समय बुधवार की सुबह होगी, 6 बजे वहां पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। यानी सीधे सीधे चरण दर्शन जो है वो 6 बजे सुबह बंद कर दिया जाएगा। बुधवार यानी 27 सितंबर सुबह 6 बजे चरण दर्शन की लाइन जो भी है वो एंट्री बंद कर दी जाएगी। और अब चलिए बात करते हैं मुख दर्शन की, तो मुख दर्शन की जो लाइन है वो बुधवार की रात 12 बजे बंद होगी। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, चरण दर्शन जो है बुधवार की सुबह 6 बजे से बंद कर दिया जाएगा और मुख दर्शन की जो लाइन है वो रात 12 बजे के बाद से एंट्री बंद कर दी जाएगी। ठीक 12 बजे एंट्री बंद की जाएगी। इस बीच जो लोग एंट्री पा चुके होंगे, एंट्री ले चुके होंगे, उनके लिए दर्शन जारी रहेगा जब तक कि लोग दर्शन नहीं कर लेते हैं। अब इस बारे में बताया गया है कि नई लाइन जो है वो नहीं लगाई जाएगी, जितने लोग कतार में हैं सिर्फ वही लोग दर्शन करेंगे और धीरे धीरे वो बाहर आएंगे और धीरे धीरे परिसर खाली किया जाएगा। जितने लोग कतार में होंगे सिर्फ उतने लोग ही दर्शन कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, चरण दर्शन की जो बुधवार की सुबह 6 बजे वो लाइन बंद कर दी जाएगी और मुख दर्शन की जो लाइन है बुधवार रात 12 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। इसके बाद उत्सव का जो आखिरी दिन होगा उस दिन विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन की पूरी जो डिटेल है वो हम आपको बताएंगे, शेड्यूल पूरा बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।